साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के उत्तरी सरफ राजगंज पंचायत के ठकुरबाड़ी में शनिवार को झारखंड राज्य चाय विकास समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड राज्य चाय विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष मानव मंडल ने की। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव शामिल हुए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष मानव मंडल ने कहा कि चाय जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए जारी संघर्ष अब रंग ला रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर के माध्यम से आश्वस्त किया था कि चाय समाज को बहुत जल्द ही आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का अभिनंदन किया जाएगा। समिति ने आरक्षण के संबंध में एक ज्ञापन बजरंगी यादव को भी सौंपा। वहीं मानव मंडल ने कहा कि आशाएं मन उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री एवं मंत्री से मिलकर हमारी मांगों को यथाशीघ्र पूरा कराने का प्रयास करेंगे। मौके पर बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि चाय समाज की मांग जायज है। चाय समाज ने जिस विश्वास के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, निश्चित रूप से मैं उस विश्वास पर खड़ा रहूंगा। मौके पर भाजपा नेता पंकज घोष, अधीर मंडल, विश्वजीत मंडल, विजय मंडल, सुभाष मंडल, वासुदेव मंडल, मधु मंडल, सिद्धार्थ मंडल, विजय मंडल, सुवेश मंडल, विकास मंडल, राहुल मंडल आदि थे।